हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बटर की रेसिपी। तो दोस्तों, आपने बटर से घी तो ज़रूर बनाया होगा, लेकिन मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ घी से बटर की रेसिपी, यानी घी से हम बनाएंगे बटर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो घी से बटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मेल्टेड घी, यानी घी लिया था उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। तो अब इस घी को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा एक बड़े बर्तन में, यानी एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें मैंने घी को डाल दिया है। अब इसमें डालूंगा मैं 1 कप ठंडा पानी। ध्यान रहे, पानी हमें ठंडा लेना है, गर्म या रूम टेम्परेचर नहीं लेना है। तो अब पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि घी है हल्का सा जम गया है, तो बस हमें इसे विस्कर की सहायता से इसी तरह मिक्स करते जाना है, हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा जो घी है वो पानी से अलग हो जाएगा। तो आप इसकी टेंशन ना लेगी, पानी और घी मिक्स हो जाए तो घी और पानी जो है ऑटोमेटिकली ही सेपरेट हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी और घी है वो अलग अलग हो गए हैं। तो इसको हम हल्का सा चला लेंगे थोड़ी देर और, ताकि हमारा घी है वो हल्का सा जम जाए। तो जो हमारा घी और पानी अलग हो चुका है, पानी को हम निकाल देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते कि पानी कितनी आसानी से निकल गया है। तो सारा का सारा पानी हमें निकाल देना है। तो विस्कर की सहायता से हमें इसी तरह से लगातार कंटिन्यूस चलाते जाना है, यानी इसे मिक्स करते जाना है, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है क्रीमी सी ना हो जाए। तो बस इसे लगातार हमें चलाते रहना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसको हमने अच्छे से चला लिया लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसको हम अमूल वाला बटर यानी पीला रंग देने के लिए है, इसमें डाला है मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं कोई कलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेचुरल कलर यानी हल्दी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे इसका एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इसको हमें लगातार मिक्स कर लेना है, फिर से इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी फिर से क्रीमी हो चुकी है इसको मिक्स करते करते। इसका कलर भी आप देख सकते हैं एकदम बटर जैसा हो चुका है। अब इस बटर को सॉल्टेड बनाने के लिए इसमें डाला है मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अगर आप अनसॉल्टेड बटर पसंद करते हैं इसमें नमक ना डालें। तो यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा सॉल्ट है वो बटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा जो सॉल्ट यानी नमक है वो बटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब किसी स्पैचुला या चम्मच की सहायता से मैं बटर को इकट्ठा कर लूँगा, यानी कि इसके किनारों पर जो बटर लगा हुआ है उसको हटा दूंगा और इसको बीच में कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी कंसिस्टेंसी है इस बटर की। तो इस बटर को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड वाला टिन, ये छोटा वाला जो टिन आता है ब्रेड का वो लिया है। इसके किनारों पर मैं लगा दूंगा थोड़ा सा बटर, क्योंकि हमें इसमें एक बेकिंग पेपर चिपकाना है, ताकि बटर जो हम जब जमाएँ यानी कि इसको फ्रीज करें तो वो आसानी से निकल जाए। यहाँ पर हमने बटर पेपर को इसमें लगा दिया है। अब जो बटर हमने बनाकर तैयार किया है, इस बटर को मैं एक बार मिक्स कर दूंगा। तो इस बटर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इस ब्रेड टिन में। तब इस स्पैचुला की सहायता से मैं इस बटर को अच्छे से फैला दूंगा। तो इस बटर को मैंने अच्छे से जितना हो सका उतना फैला दिया है। तब यहाँ पे मैंने लिया एक चम्मच, जिसके बैक साइड को मैंने गैस पर लगभग 4-5 सेकंड के लिए गर्म कर लिया था। तो इसको मैं इसे स्मूथ कर दूंगा, बटर का जो टॉप पार्ट है इसको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इसे हमें हल्का हल्का इस बटर पर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है वरना हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा। बटर को हमने ऊपर से स्मूथ कर लिया है। अब इसको हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। तो लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो बटर है एकदम सेट हो चुका है। अब एक चक्कू लेंगे, उसकी सहायता से हम इसके किनारों को अलग कर लेंगे, यानी जो बटर पेपर है बेकिंग पेपर है वो आसानी से हट जाए। तो हमारा जो बटर है वो आसानी से हट चुका है।
तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते कितनी आसानी से बाहर आ गया है। इसको मैं एक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ कि अपना बटर जो है वो कितना सॉफ्ट एकदम टेस्टी बना है। मैंने लिया एक चक्कू, इसके चक्कू से मैं इसके स्लाइस कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं बटर कितनी आसानी से कट चुका है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा बटर एकदम मार्केट जैसा। तो इस बटर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा प्लेट में। तो बटर को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैं आपको बटर का एक स्लाइस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अंदर कितनी अच्छी तरह जाली बन रही है, अंदर आप देख सकते हैं एयर बबल्स भी हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।